अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबका? आज माशाल्लाह से बहुत ही मौसम ज़बरदस्त है। कल इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई थी तो मैं कल भी माशाल्लाह ही बोल रही थी, और माशाल्लाह बोलने की बाबरकत से आज माशाल्लाह से मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया है। हर तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ में चिड़ियों की आवाज़ें, परिंदों की आवाज़ें। आज माशाल्लाह से मौसम इतना ज़्यादा खुशगवार होने की वजह से जो परिंदे हैं ना, वो भी खुशी से चहचहा रही हैं। आपको आवाज़ें आ रही होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है, और ये जो अंजीर का दरख्त है ना, इसके ऊपर बहुत सारी अंजीरें पक चुकी हैं। उस दिन मैं आपको दिखा रही थी कि इसका जो इसके ऊपर बहुत सारा फल लगा हुआ है, लेकिन आज जो फल है ना, वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पक चुके हैं। तो ये सारे मैं आपको तोड़ के अभी दिखाती हूँ। आपको नज़र भी आ रही होंगी पक्की पक्की, ये सारी अंजीरें मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ भी मैंने सारी अंजीरें जो पकी हुई थी ना, वो सारी मैंने तोड़ दी हैं, और इन चूज़ों को लग रहा है कि शायद कोई खाने वाली चीज़ इसने हमारे आगे डाल दी है और वो यहाँ पे आई हैं खाने के लिए। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही हैं और रसीली लग रही हैं, ये देखिए। और जो ताज़ी ताज़ी अंजीर होती है ना, उसको तोड़ के खाने का अपना ही मज़ा है। और इस अंजीर के इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, अगर आपको मैं बताने लग जाऊँ ना तो मेरी पूरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन इसके फ़ायदे जो है ना, वो ख़त्म नहीं होंगे। अंजीर जो है, इसको जन्नत का फल भी कहा जाता है, और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने अंजीर की कसम याद फरमाई है कि कसम है अंजीर की और जैतून की और तूर सीना की। और ये जो अंजीर है ना, ये कमज़ोर और दुबले लोगों के लिए बेशुमार नेमत है। पतले और कमज़ोर लोगों के लिए ना बहुत ही कीमती तोहफा है ये। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इससे जो वज़न है ना, वज़न बहुत ही जल्दी से कम होता है। और माहरीन तिब का कहना है कि रोज़ाना अंजीर खाने से मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। अंजीर में कुछ ख़ास किस्म की कैलोरीज भी पाई जाती हैं, लिहाजा वो लोग जो अपना वज़न घटाना चाहते हैं, अंजीर का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि एक अंजीर में सिर्फ 47 कैलोरीज होती हैं, और जो लोग खून के दबाव का शिकार हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। अभी भी इसके अंदर ना और ज़्यादा पकी हुई थी, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी सी कच्ची थी, आधी पकी हुई थी और आधी कच्ची थी। ये सामने जो है ना, ये अभी हाफ कच्ची है और हाफ पकी हुई थी। ये अंदर ले जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। इतनी ज़्यादा गर्मी हुई थी ना कल से परसों से, 3-4 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, ठंडा ठंडा। और ये वाला जो दरख्त है, इसके ऊपर मैंने कल बनाई थी वीडियो, जिसके ऊपर वो लगे हुए थे बब्बू कुत्ते, तो हमने यहाँ पे स्प्रे करके ना, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे लगे हुए थे, तो यहाँ पे हमने कर दिए स्प्रे। ये सारे ख़त्म हो चुकी हैं, सारे मर चुके हैं, ये सारे यहाँ पे लगे हुए शायद ऊपर हों, मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि मुझे ना कोई नज़र भी नहीं आ रहा था, अगर कोई हुआ भी तो जी ले अपनी ज़िंदगी। यहाँ पे ना टहनियाँ काटने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन बन चुके हैं, जो कि मैं परसों आपको दिखा रही थी। ये तो मेरे चैनल का नाम है ना, ए अलशु लाइफ अलशु। आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक हमारा जो दरख्त है, ये वाला अंजीर का, इस पर भी देखते हैं शायद कोई पकी हो, लेकिन हम ज़्यादा उसको ही देखते हैं। तो यहाँ पे इधर आने का ख्याल ही नहीं कभी आया, तो यहाँ पे भी देखते हैं पकी हुई है, अभी तो नहीं नज़र आ रही, सारी छोटी छोटी हैं।
ये देखिए माशाल्लाह से एक तो मुझे पकी हुई नज़र आ गई है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ लाइव, वो तो मैंने आपको तोड़ के दिखाई है ना। और ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पर भी देखती हैं। नहीं यहाँ पे तो कोई नहीं है फिलहाल, ये ही इसको मैं तोड़ लेती हूँ। कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की शान। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत नेमतें पैदा की हुई हैं, उसका जितना भी शुक्र करें कम है। यहाँ पे लगी हुई थी ले लो, चलें जी आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी के भी मनाजर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगली नई और बहुत ही मज़े की और खुशगवार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।